देखिए राजीव जी, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि चर्चा से सरकार भाग रही है, और चर्चा लोकतंत्र की सामूहिक भागीदारी जब होती है जिसमें, या सामूहिक नेतृत्व और जिम्मेदारी होती है, तो चर्चा उसकी पहली बुनियादी शर्त है। इस शर्त का हमने देखा है कि लगातार बीते 7 वर्षों में उल्लंघन हुआ है, और ये जो चर्चा का जो मंच है वो बार बार टूटता रहा है, बिखरता रहा है। हमने ये भी देखा है कि जब यूपीए की सरकार थी तो एनडीए के लोग, और खास तौर पर जो अभी सत्ताधारी दल है भारतीय जनता पार्टी के सांसद, जिस तरह से लोकतंत्र की दुहाई देते थे, सदन को चलने नहीं देते थे, अब अचानक कृषि कानून बन जाते हैं। कृषि कानून बनाने की जो संसदीय प्रक्रिया है उसका पालन नहीं होता, जब वापस होना है तब भी उसका पालन नहीं होता, और हम ही हमारे उन सभी महानुभावों के मुंह से एक बोल भी नहीं फूटता। अब वो सारे लोकतंत्र के पैरोकार खामोश हैं। मैं नहीं जानता कि वो क्यों खामोश हैं, लेकिन चर्चा नहीं कराने के पीछे मुझे कुछ बात समझ में आती है। देखिए, ये तो तय था कि अगर चर्चा होती तो भी, और नहीं हुई तो भी, जैसे कि आपने अभी कहा था कि सरकार का बहुमत है तो सरकार को तो पारित करा ही लेना था, लेकिन अगर चर्चा कराते तो विपक्ष क्या कहता? क्या कानूनों का विरोध करता? विपक्ष तो खुद ही उसमें सहायता करता, और हो सकता है कि ध्वनि मत से नहीं बल्कि सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित होता कि हाँ, ये कृषि कानून देश के हित में नहीं है, और इनको वापस लेने का जो ऐलान प्रधानमंत्री ने किया है हम उसका समर्थन करते हैं। तो पहला कारण तो यह है कि हो सकता है कि विपक्ष की इस जो साझेदारी है इसका 100% श्रेय खुद प्रधानमंत्री को ना मिलता, सत्ताधारी पक्ष को ना मिलता। दूसरी बात यह भी है कि जब चर्चा होती तो कुछ बातें जरूर निकल के आती। नंबर एक, किसानों की इतनी सारी मौतों के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? अगर ये कृषि कानून देश हित में नहीं थे तो 750 से ज्यादा लोग जो सड़कों पर अमानवीय तरीके से गरिमा का हनन करते हुए, क्रूर व्यवहार सहन करते हुए डटे रहे, तो उन्होंने जिस तरह से दम तोड़ा उसके लिए कौन जिम्मेदार है? एक सवाल तो ये आता। और मैं आपको बता दूं राजीव जी, कि जितनी मेरी समझ है, अनुच्छेद 21 जो हमारे यहाँ हमारे संविधान में जीने का अधिकार देता है, तो ये अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति की को अमानवीय दशाओं में रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अमानवीय और क्रूर और शर्मनाक परिस्थितियों में अगर वो सड़क पे आने के लिए मजबूर हुआ है तो ये उसके प्राण लेने के बराबर है। यदि ये तो वास्तव में किसी की को फांसी पर लटकाने से भी ज्यादा क्रूरता कही जाएगी, ये हमारा अनुच्छेद 21 कहता है। तो अगर किसानों की मौतों के लिए जिम्मेदारी ठहराई जाती तो वो संसद के रिकॉर्ड में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता, और संसद का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की तरह जब तक भी मीडिया जानकार लोग, एक्सपर्ट्स लोग कोट करते और किसान आंदोलन की बात होती तो संसद के इस रिकॉर्ड को का उल्लेख होता, और ये सरकार नहीं चाहती थी कि उसको एक स्थायी संदर्भ मिल जाए। पहली बात। दूसरी बात ये थी कि साल भर तक किसानों के इस आंदोलन में, चलिए हमने मान लिया जिस तरह से आरोप लगाए गए उनको के बड़े अमीर किसान थे वो, तो ये बिचौलिए थे, किसान थे ही नहीं, ये भी बहुत सारी बातें कही गई। 100 में से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 किसान अमीर हो सकते हैं, लेकिन जो 80 से 85 किसान थे वो थे जो हर फसल के साथ अपनी उपज का दाम जो लेते हैं, और उससे उनका घर चलता है, उनके शादी ब्याह होते हैं, उनके मुकदमेबाजी होती है और वो लड़ते हैं। तो जो फसल उत्पादन गिरा, जो वो अपने खेतों पर नहीं जा पाए, कृषि उत्पादों का जो निर्यात है वो घटा, जो एग्रो इंडस्ट्रीज का जो उत्पादन है वो घटा, वो गिरा, उन सब पे सरकार से जवाब मांगा जाता और सरकार के पास जाहिर है इसका कोई उत्तर नहीं होता, तो ये भी संसद के रिकॉर्ड में आता। तीसरी बात ये भी संसद में आती जब वो चर्चा होती, जैसा कि राहुल गांधी
अक्सर इस जिक्र करते रहे हैं और इन कृषि कानूनों के विरोध में अपनी आवाज मुखर करते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब इन इन कानूनों को जो बनाया गया तो उसके पीछे कुछ लोगों की भलाई, कुछ लोगों का हित संरक्षण उसमें शामिल था। जब चर्चा होती सदन में तो ये स्थायी रिकॉर्ड के तौर पर उन नामों का जिक्र होता, पूंजीपतियों का खुलासा होता और तब ये भी कार्रवाई हमेशा के लिए दर्ज हो जाती, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई असंसदीय तो नहीं हो सकती। इस तरह की चर्चा में जब तक आप जो असंसदीय शब्द है उनका प्रयोग ना करें, तो स्पीकर के लिए भी, राज्यसभा के सभापति के लिए भी, लोकसभा के स्पीकर के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उस कार्रवाई को उस हटाएं कैसे, कोई बहाना तो चाहिए। तो एक चीज तो ये है, लेकिन मुझे लगता है कि अब आने वाले दिन भी कोई बहुत आसान नहीं है। किसानों की कोई जीत नहीं है। उत्तर प्रदेश और पंजाब जीतने के लिए सरकार कुछ भी कर सकती है। ठीक है कि तलवार, किसानों ने ऐलान किया है कि वो अपनी तलवार म्यान में नहीं रख रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी केवल कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया है और जो आज ये हुआ है संसद में वो हुआ है। अभी MSP वाला मुद्दा बाकी है, अभी और भी कुछ मुद्दे बाकी हैं, मुआवजे की बात बाकी है। तो अगर ऐसा होता है, जिस दिन आप देखिएगा, मान लीजिए एक काल्पनिक स्थिति है कि जिस दिन चुनाव आयोग को तारीखों का ऐलान करना हो इन राज्यों में, उसके ठीक एक दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा करें कि वो MSP भी ले आएंगे और मुआवजा भी दे देंगे, तब किसान क्या करेंगे? अभी आपकी इस चर्चा से पहले मैं एक शो में था जिसमें किसान यूनियन के एक प्रवक्ता आए थे, उनकी एक कथन ने मुझे चिंता में डाला, इसलिए मैं इस आपको आपसे साझा कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि अगर MSP और मुआवजा ये जो है, अगर ये किसान सरकार आगे चल करके तरकश से अपने 2-3 तीर निकाले और वो चला दे, तो जब चुनाव का ऐलान होगा तो वो अपने किसानों से नहीं कहेंगे कि वो किसको सपोर्ट करें, फिर वो स्वतंत्र हैं, उन्हें किसको वोट करना है। यानी आप इसके कुछ क्या मायने निकलते हैं, क्या संदर्भ निकलते हैं, इन पर इनमें कुछ एक अंतर संबंध आप देखते हैं तो वो देख सकते हैं। अब आप मैं आपके दूसरे सवाल पे आता हूं। NCERT आज 12 सांसदों को बाहर किया गया। उत्तर प्रदेश पर जब भी बहस होती है, मैं ये बात हर बार कहता हूं कि चाहे वो प्रशांत किशोर के जरिए हो, चाहे किसी भी जरिए हो, NCP, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, ये तीनों पार्टियां आपस में एक हैं और इन तीनों पार्टियों का मकसद है किसी तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति से कांग्रेस को बाहर रखना। अब चूंकि ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कोई वैसे अनुकूल रिश्ते तो है नहीं, NCP शरद पवार के रिश्ते अभी भी सत्तारूढ़ पार्टी के साथ बहुत अच्छे हैं, और इसीलिए आपको याद होगा कि राहुल गांधी जब गए थे UPA का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव लेकर के, शरद पवार ने स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि शरद पवार उस दौर की पैदाइश है जिसमें सत्तारूढ़ दल प्रतिपक्ष के नेता को किसको साध के रखता था, मैं साध के रखना कहता था, तो शरद पवार बहुत खुलकर सामने नहीं आते। समाजवादी पार्टी, NCP और TMC, ये तीनों कांग्रेस को हटाने के लिए आगे हैं, और इसलिए आप देखेंगे कि आज NCP का कोई सांसद था नहीं था। TMC के जो लोग हैं वो एक प्रतीकात्मक तरीके से किए गए हैं, क्योंकि सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी TMC से इस मामले में, कांग्रेस को बाहर करने के मामले में सीधे संवाद नहीं कर सकती, वो शरद पवार के मार्फत संवाद कर रही है और पर्दे के पीछे ये राजनीति चल रही है। ये मेरा फिलहाल है, आगे अब सेकेंड राउंड में हम बात करेंगे। देखिए राजीव जी, सरकार बैकफुट पर तो बंगाल चुनाव के बाद से ही है और वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच में लखीमपुर कांड हो गया और लखीमपुर कांड के बाद जिस तरह से लोगों का जो गुस्सा है उस पर कांग्रेस ने और प्रियंका गांधी ने हाथ रख दिया, तो कहने का मतलब ये कि सरकार तो बैकफुट में है ही। दूसरी बात जो आपने कही है प्रधानमंत्री जी के बारे में या सियासत के बारे में, तो देखिए सियासत में जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता। अभी ये हाल के 25-30 सालों की पत्रकारिता के दौरान मैंने देखा है कि जो सियासत में तब्दीली आई है कि जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता और जो किया जाता है वो कहा नहीं जाता।
पहले नेताओं की कथनी और करनी एक होती थी। आपने अगर बहुत गौर से अभी जो जिक्र किया है, प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि तपस्या में कहीं कोई कमी रह गई है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये देश हित में नहीं थे ये तीनों कृषि कानून। उन्होंने कहा कि ये तपस्या में हमारी कमी रह गई है, शायद हम लोगों को बता नहीं सके कि ये कानून उनकी भलाई के लिए है। यानी वो पक्ष किसानों की भलाई के लिए है या कुछ चार छह उद्योगपतियों की भलाई के लिए है, ये बात जो है वो नहीं बता पाए। वो बताते भी कैसे? तो कहने का मतलब यह है मेरा कि जो है ये मोदी जी तो बैकफुट पर हैं, लेकिन आने वाले दिनों में उनकी चुनौतियां उनके ही रवैये से बहुत बढ़ने वाली हैं। अभी ये ठीक है कि कृषि कानूनों की वापसी की एक प्रक्रिया होती है, जब लाने में उन्होंने प्रक्रिया का पालन नहीं किया तो वापसी में प्रक्रिया का पालन क्या होगा। 7 वर्षों में हमने देखा है कि संसदीय संसद के सीढ़ियों पे तो वो सिर रखते हैं, लेकिन संसद की सर्वोच्चता का सम्मान, लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर का सम्मान उनकी पार्टी नहीं करती। हमने देखा है, एक नहीं अनेक उदाहरण है, वो लंबा चूंकि 8 बज गया है, तो शायद फिर कभी अगली चर्चा में हम बात करेंगे। लेकिन बात बिल्कुल सही है कि आने वाले दिनों में सरकार अपने सारे संसाधन झोंक देगी प्रचार, जिसमें कि वो माहिर है। भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल जितना स्ट्रांग, जितना जिस तरीके से काम करता है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या कोई अन्य पार्टी नहीं करती। तो लेकिन डैमेज कंट्रोल की जो बात है वो कितना कर पाते हैं, अभी थोड़ा अर्ली टू से, अभी देखना पड़ेगा।